गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मुकुल यादव, योर फिजिक्स मेंटर। और इस क्लास में जो आपका मंडे को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, उसी के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो 10 प्रॉब्लम थी वो तो थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो सेकंड 5 जो प्रॉब्लम थी वो थी आपकी सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम। तो ऐसे ही मैं आपको जो फर्स्ट जो 10 प्रॉब्लम है वो लेक्चर 1 में के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो सेकंड जो 5 जो प्रॉब्लम आई थी आपकी जो कि थी सब्जेक्टिव टाइप, वो सेकंड लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूँ आज। ओके, आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये अपनी जो सब नोटबुक है जिसके अंदर आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसी के अंदर पूरा पेपर अच्छे से राइट डाउन करना है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था मल्टीपल चॉइस में, वो मैंने आपको दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन टू यू एज 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 यूनिट, एंड एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी फॉर्मूला कि दो वेक्टर को अगर मैं ऐड करता हूं तो उनका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। जो थीटा है था, ये जो एंगल थीटा होता है ये हमारा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है, एंड कोस ऑफ 60। अभी सिंपली आपको इसको सोल्व करना है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका क्या 4, 3 का स्क्वायर 9, देखिए कोस 60 होता है आपका 1/2, तो डायरेक्टली ये 2 से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6। ओके, सो 4 प्लस 9 13 प्लस 6 √19, सो √19 इज योर आंसर। सो आई होप दिस वॉज द ऑप्शन ए। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको की प्रोवाइड की थी तो ऑप्शन ए वॉज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी वो बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आप पूरा जैसे कि मेरे वीडियो जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं आप उन सभी वीडियोज को देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 80 से 90% जो प्रॉब्लम है वो वीडियोज के अंदर ही कवर हो गई थी। बट स्टिल सो मेनी पर्सन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर इन द क्वेश्चन पेपर। द ओनली रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द गाइज यू आर नॉट रीडिंग और यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो सीरियसली, दिस इज द ओनली रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द ऑनलाइन टेस्ट बेटर। ओके, सो द सेकेंड प्रॉब्लम जो आपको दी थी वो क्या दी थी कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आपको दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू सी वैक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का दिया हुआ है आपको 4 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है 5 यूनिट, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो सी वेक्टर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रूट ओवर 60 यूनिट। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी सिंपली सेम फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी आपको क्या पता है कि आपको पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड भी जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपका पता है किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अभी सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल में है तो आप कैपिटल में ले लीजिए इनको, इसमें आप स्मॉल लेटर में ले लिया, तो ये कैपिटल में है तो आप कैपिटल में लेके चल लीजिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस b कैपिटल, b का स्क्वायर ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 5 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो a की 4 b का है 5 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या है आपका, वो आपको दिया है √61।
तो यहाँ से रूट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी क्या, 16 + 25 प्लस ये आपकी हो जाएगी 40 कोस ऑफ थीटा इजिकल टू रूट 61, सॉरी ये हो जाएगा 61, रूट से रूट हमने कैंसिल कर दिया दोनों साइड, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाले जैसे ये आ जाएगा आपका 41, इस साइड लेके आएंगे वो होगा आपका क्या 20, तो कोस थीटा की वैल्यू जो आप डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे 20/40, 1/2, आप इसको सोल्व करके देखिए आपका जो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 1/2, सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो क्या थी आपकी, थर्ड जो प्रॉब्लम आपको दी हुई थी, बट आई एम जस्ट रीडिंग द प्रॉब्लम फॉर यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इधर वेक्टर, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये तो हमने 2 या 3 बार अपनी जो वीडियो प्रॉब्लम थी, जो जैसे कि मैंने आपको रिविजन भी करवाया था तब भी आपको बताया था कि जैसे कि 2 वैक्टर हैं, एक तो है मेरा ए वैक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर के बराबर है, ठीक है। अगर इनका रिजल्टेंट भी सेम आता है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का ऐड करता हूं, जैसे कि मेरा यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इनमें से इसका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है यहां पे, ठीक है, ये भी किसी दोनों वेक्टर्स के बराबर ही है, तो आपको डायरेक्टली मैंने बताया था कि जो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहां से भी देख सकते हैं थीटा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। दूसरा तरीका अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, आपको क्या पता है कि दोनों जो मेरे वेक्टर दिए हुए हैं उनका रिजल्टेंट सेम है, ठीक है, दो उनका दोनों का रिजल्टेंट इक्वल है, ठीक है, और उसके बाद जो उनको ऐड करने के बाद भी जो रिजल्टेंट आता है वो भी उन दोनों वेक्टर्स के ही इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इनके जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको सपोज कर दो कि आप कुछ भी लिख दो, या तो ए के बराबर लिख दो या बी के बराबर लिख दो, तो मैं इसको ए के बराबर लिख रहा हूं इज इक्वल टू ए, तो ये भी आपको पता है ये रिजल्टेंट भी आया, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। और आपको पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका होता है क्या, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो अगर आप इसको, आपको पता है ए की वैल्यू भी ए के बराबर, बी की वैल्यू भी बी के बराबर, ए के बराबर, ठीक है, आर की वैल्यू भी ए के बराबर, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इज इक्वल टू ये आपका क्या आएगा ए स्केयर, बी की वैल्यू क्या किसके बराबर है, ए के बराबर है, यहाँ पे ए इंटू ए 2a² हो गया कोस ऑफ थीटा, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, तो अगर स्केयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या ए स्केयर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 2a² प्लस 2a² कोस थीटा। इसको भी अगर आप सब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी कितनी, -1/2। आप सोल्व करिए, इसको साइड लेके जाइए, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की -1/2, तो दैट मीन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम थी, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और आंसर फाइंड आउट करना था। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि ए फोर्स एफ इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो बड़ा ही सिंपल सा था कि कोई फोर्स है एफ, वो इंक्लाइन हो रहा है हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे, आपको कंपोनेंट बताना था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन इस साइड से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये क्या होगा आपका एफ ऑफ कोस थीटा, तो हॉरिजेंटल यही कोई कंपोनेंट आएगा आपका, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो गया आपका एफ ऑफ कोस ऑफ थीटा, क्या है आपका 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आ जाएगा एफ बाई टू, तो ये रहेगा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा सिंपल से ही प्रॉब्लम है, तो
दिस वाज एफ, ये था प्रॉब्लम नंबर फाइव हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी। सो क्वेश्चन नंबर जो फाइव था वो था क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर भी दिया हुआ है आपको, बी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस टू जे कैप, ठीक है, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस के कैप, माइनस आप आई कैप प्लस के कैप। आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, तो आई कैप वाली टर्म को मैं आई कैप से ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बच जाएगा क्या आपका टू जे कैप प्लस के कैप। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है आपको सी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आप लिख सकते हैं क्या, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वाई कैप का, जे कैप की कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप की कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। बहुत बार मैं बता चुका हूं ये, स्टिल सो बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम में भी गलती की है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, रूट फाइव, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखने वाले हैं। तो वो क्या दिया हुआ है, उसमें भी आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, उनके डॉट प्रोडक्ट को आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है टू आई कैप थ्री जे कैप प्लस के कैप, ये आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है थ्री आई कैप, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओके, सो दिस इज थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप, तो ये आपको दिया हुआ है बी कैप, ठीक है। आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैं कैसे लिख सकता हूं, ए कैप डॉट बी वेक्टर। तो आपको पता है कि आई कैप के साथ जे कैप का, जे कैप के साथ के कैप का कंपोनेंट नहीं दे रखा, तो मैं जीरो के कैप लिख सकता हूं इसके आगे। तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा क्या, सिक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस सिक्स, ये आ जाएगा आपका जीरो, तो आंसर आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपको बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवन में साइड में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है आपको कि दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड थ्री एंड फाइव यूनिट, सॉरी हैव मैग्नीट्यूड थ्री वेक्टर एंड फाइव, थ्री एंड फाइव, इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री दैट डॉट प्रोडक्ट आपको बताना है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना, थ्री यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है फाइव यूनिट, और एंगल भी उन दोनों के बीच में दिया हुआ है वो है क्या, 60 डिग्री। आपको डॉट प्रोडक्ट बनाना है, बताना है। तो डॉट प्रोडक्ट का सीधा सा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, बी इज 5, cos 60 इज 1/2, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर आ जाएगा 7.5, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 8 मैं सोल्व करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो ए जो क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम थी वो काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, इसमें पूरे पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई टी वेक्टर आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू ए आई कैप, पी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए जे कैप और थ्री प्लस थ्री के कैप, ये आपको दिया हुआ है क्या पी वेक्टर। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, क्यू वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप, क्यू वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप,
ये आपको दिया हुआ था क्यू वेक्टर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। अब आपको पता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको जीरो आएगा हमेशा, बिकॉज एंगल कितना हो जाता है 90, cos 90 क्या होता है आपका जीरो, सो पी डॉट क्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे मैं इनके डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर मैं लिख सकता हूं ए का आई कैप वाली टर्म का आई कैप के साथ, तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ टू ए, और ये आ जाएगा आपको माइनस थ्री। अभी पता है इफ अगर पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर देन आई नो दैट पी डॉट क्यू वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके इसको फिर से मैं जैसे सोल्व करूंगा तो ये आपका आ जाएगा क्या ए स्क्वायर, अभी क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है तो ये आ जाएंगे इसके माइनस को थ्री ए प्लस ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए मैंने बाहर ले लिया तो ये आ गया ए माइनस थ्री, माइनस कॉमन बाहर ले लिया सॉरी प्लस कॉमन बाहर ले लिया, ये आपका आ जाएगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस वन और ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो वैल्यू आ गई कि क्या माइनस वन, एक वैल्यू आ गई थ्री। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि विच द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कौन सी है थ्री, तो ये आपका रहेगा क्या आंसर, ठीक है। सो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर एट। ओके नाइन्थ प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा था, नाइन्थ प्रॉब्लम आपको क्या दिया हुआ था कि टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको पता है कि उनका कोस डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है जीरो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। तो नाइन्थ प्रॉब्लम में जैसे कि दो वेक्टर आपको दिए हुए थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो हमेशा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि वहां पे क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन वाली टर्म आती है साइन थीटा, तो अगर दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम टेंथ प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर गिवन टू यू, विच पेयर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू गिव ए रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका ऐसा इनमें से छांटना है इन चारों ऑप्शंस में कि जिसका मैग्नीट्यूड है ना, अगर दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेक्टर ही, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूं तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर नहीं आ सकता, वो आपको छांटना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ था वो था क्या 1 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ऐसी प्रॉब्लम मैंने आपको रिवीजन जो करवाया था, आपको रिवीजन जो लेक्चर थे उसमें भी आपको कवर करवाई थी, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसकी रेंज कहाँ तक है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दूसरे का 3 सेंटीमीटर है तो इसकी जो वैल्यू आई वो किस किस के बीच में लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, मैक्सिमम जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये आपकी आ जाएगी 5, तो इसका मतलब जो ये दोनों वेक्टर है अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 1 या 5 के बीच में मिलेगी, ठीक है। यहां पे आप 4 सेंटीमीटर दे सकते हो, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो 4 सेंटीमीटर दे सकता है, आपको वो वैल्यू छापनी है तो 4 सेंटीमीटर नहीं दे सकता, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मिनिमम आपकी आ जाएगी क्या 2, मैक्सिमम कितनी आएगी 4, ठीक है, आपका आंसर क्या है 4, तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर दे सकता है। यहां पे अगर मैं ऐड करूंगा तो मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी क्या 6 सेंटीमीटर सॉरी 4 5 माइनस 1, मैक्सिमम कितनी आएगी आपकी 5 प्लस 1 6, तो इसका मतलब 4 जो है वो अगेन मिनिमम वैल्यू में आ जाएगा इसके, ठीक है। यहां पे मैं देखूंगा तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 6, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितना 7 प्लस 1 8,
कहीं पे भी 4 नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अगर ये दोनों वेक्टर होंगे तो 4 सेंटीमीटर आपका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो यही होगा मेरा क्या राइट आंसर। तो आई होप दीज 10 प्रॉब्लम्स आर क्लियर टू यू। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। थैंक यू।